अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। क्लास टू, हम आज करेंगे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स। कौन से वर्ड्स हैं? जम्प्ड वर्ड्स हैं, जो कि हमने करेक्ट वर्ड्स में लिखने हैं। यानी कि हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं जो कि आगे पीछे लिखे होंगे, इनको हमने तरतीब से सीधा करके लिखना है और देखना है कि ये वर्ड कौन सा है। दीज आर पार्ट्स ऑफ अ ट्री। ये जो हमें आगे पीछे जम्प्ड वर्ड्स में दिए गए, ये क्या है? ये पार्ट्स हैं ट्रीज के, दरख्त के हिस्से हैं। बट द लेटर्स आर जम्प्ड, लेकिन लेटर्स जो है वो जम्प्ड है, आगे पीछे हैं। व्हाट आर द पार्ट्स, ये हिस्से क्या हैं? तो हमने इनको तरतीब दे के करेक्ट वर्ड बनाना है और फिर बताना है कि ये दरख्त का पार्ट है। आपने क्या करना है, आपने पेज रेडी करना है। रेडी करने के बाद क्वेश्चन राइट करना है। क्वेश्चन राइट करने के बाद आपने एक लाइन लगानी है दरमियान में, जम्प्ड वर्ड एंड करेक्ट वर्ड। STUN फर्स्ट वर्ड जो क्या है, वो उन्होंने आगे पीछे करके क्या लिखा है, STUN। हम इसको क्या करेंगे, नट्स, NUTS, नट्स ट्री का एक पार्ट है। ये क्या है, FEAL, यस, लीव, LEAF, इसको करेक्ट हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, LEAF, लीव। नेक्स्ट वर्ड है BRAK, यानी कि बार्क, BARK, बार्क। तीनों वर्ड्स हमने क्या ढूंढे, नट्स, लीव, बार्क। स्पेलिंग क्या है नट्स के, NUTS, नट्स, LEAF, लीव, BARK, बार्क। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, CHARNB, ये वर्ड क्या बन रहा है, जी हाँ, ब्रांच, शाख, BRANCH, ब्रांच। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, BRANCH, ब्रांच। METS, इसको हमने तरतीब दी तो क्या बना, STEM, स्टीम, स्टेम, STEM, स्टेम। तो स्टूडेंट्स, आपने ये सारे वर्ड्स अच्छे से लर्न करने हैं और इसको अपनी कॉपी पर राइट करना है। यही आपका आज का होमवर्क है, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और इसको अपनी कॉपी पर राइट करना है। राइट करने के बाद आपने इसको लर्न करना है और लर्न करने के बाद आपने क्या करना है, यस, आपने अपनी कॉपीज पर राइट करके देखना है। तो स्टूडेंट्स, आपका आज का होमवर्क यही है। तो अल्लाह हाफिज़।